नमस्कार दोस्तों, एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आम आदमी पार्टी जीत की ओर उतनी ही तेजी से, उतनी ही ताकत से आगे बढ़ रही है और जीत की ओर अग्रसर होते इस काफिले में आज पूरी दिल्ली से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजबूत लोग, बहुत सारे ताकतवर लोग, समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखने वाले लोग, अपना मान सम्मान स्थान रखने वाले लोग आज इस आम आदमी पार्टी परिवार का, इस कुनबे का हिस्सा बन रहे हैं। मैं एक बार उन सभी साथियों के नाम पढ़ना चाहूंगा। राकेश गोयल जी मंडल अध्यक्ष है वार्ड नंबर 28 से भारतीय जनता पार्टी के, 2 बार निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। आशीष ठाकरान जी भारतीय जनता युवा मोर्चा से 2 बार के उपाध्यक्ष, वर्तमान में ओबीसी मोर्चा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जिलाध्यक्ष हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच हैं, उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। नफे सिंह राठी जी हैं सचिव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, डीपीसीसी के। रविंदर अंबावत जी हैं जिलाध्यक्ष नजफगढ़ ओबीसी मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य हैं। उपेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। माननीय प्रदीप दहिया जी हैं मोहन गार्डन की सम्मानित आरडब्ल्यूए के चेयरपर्सन। हमारे बुद्ध विहार से कांग्रेस से मुकेश बंसल जी, पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी, 3,500 वोट पाए हुए। हमारे साथ गुरुदेव सिंह खालसा जी हैं जो निगम का चुनाव लड़ चुके हैं, 3,000 वोट पाए हुए हैं। सलीम मलिक खान साहब जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के। दलजीत सिंह पावा जी फिर से अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तम नगर के। महावीर चौधरी जी आरडब्ल्यूए के प्रधान रहे हैं। एसएस दड़वाल जी अध्यक्ष रहे मोहन गार्डन आरडब्ल्यूए के। ये सारे नाम जो मैंने पढ़े ये एक एक नाम नहीं है, इन सभी एक एक नाम के पीछे सैकड़ों लोग हैं। इन सभी नामों के पीछे इन सभी साथियों की कई सालों की सामाजिक कमाई है, पूंजी है। जिन साथियों के मैंने नाम लिए वे और उनके साथ जितने भी समर्थक शुभचिंतक आए हैं, मैं हमारे माननीय सांसद बड़े भाई सुशील गुप्ता जी, विधायक नरेश बालियान जी, विधायक साथी महेंद्र गोयल जी, हमारे विधायक साथी जयभगवान उपकार जी, हम सभी लोग इन सभी सम्मानित सामाजिक और राजनीतिक पहचान रखने वाले साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन साथियों के जुड़ने से और ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर जुड़ने से जब इनकी बहुत आवश्यकता है, हमारा कुनबा, हमारा परिवार सिर्फ आकार में बड़ा नहीं होगा बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। और मेरा आग्रह इन सभी साथियों से भी है कि आज जो आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे वो ईमान की टोपी है। अब तक भले ही आप किसी भी भूमिका में रहे हो, लेकिन अब जो भी प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, हम सब जानते हैं काम कैसे होगा कि जब केजरीवाल जी की सरकार हो तो केजरीवाल जी का पार्षद हो। तो उन सभी प्रत्याशियों को पूरी ताकत लगा के, समय निकाल के, अपने काम धंधे से, बिजनेस से, नौकरी से पूरी ताकत लगा के उन सभी साथियों को केजरीवाल जी का पार्षद बनाना है, ताकि दिल्ली तरक्की के रास्ते पर तो चल रही है, साफ सुथरी और सुंदर भी हो सके। मैं एक बार फिर से इन साथियों का आग्रह करते हुए जुड़ने की जो औपचारिकता है उसे पूरी करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे सुशील भाई और बाकी साथी जो है एक एक करके इन साथियों को जिनके नाम पढ़ेंगे उनको पहना देते हैं। हाँ, राकेश गोयल जी, बहुत अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत। बीच से कोई साथी आए ना, रोक दीजिए आप। बहुत स्वागत। आशीष ठाकरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप मिश्रा जी,
ये प्रदीप भाई पूर्वांचल मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वेलकम, बहुत स्वागत प्रदीप भैया। नफे सिंह जी, नफे सिंह राठी जी, स्वागत है। रविंदर अंबाव जी, रवि आजा, बहुत मजबूत हो गए आपके, आप सब मजबूत हैं, युवा साथी बहुत सारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपेंद्र सिंह चौहान जी, उपेंद्र सिंह चौहान जी आइए, नमस्कार विधायक जी। प्रदीप दहिया जी आइए, प्रदीप जी आइए, हरियाणा में पूरी मदद कर मुकेश बंसल जी, इधर मुकेश बंसल जी आइए भाई साहब। बहुत अभिनंदन आपका, फोटो आ जाएगी। गुरदेव सिंह खालसा जी, गुरदेव सिंह आइए, गुरदेव जी फोटोग्राफ सारी मिल जाएंगी पार्टी के हैंडल्स पे मिले, आइए खालसा जी आइए। सलीम मलिक खान जी, सलीम मलिक साहब नहीं है, सलीम मलिक जी आइए, बहुत अभिनंदन आपका। गलजीत सिंह पावा जी, दलजीत सिंह पावा जी वो बाहर हैं, आप महावीर चौधरी जी बहुत बड़ा पीछे करना भाई, बहुत स्वागत है। एसएस दड़वाल जी आई, दड़वाल जी आइए सर, आइए सर, आप आ जाओ, ठीक है, नमस्कार जी, आइए महावीर जी आइए। हेलो, पीसी में हूँ, देखिए ये जो स्ट्रिंग आ रहा है रोज रोज का फर्जी स्ट्रिंग आ रहा है, इससे एक चीज तो तयशुदा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही है, और चुनाव हारने के वजह से ही दिन भर ये लोग बैठ के फर्जी स्ट्रिंग, यहां का स्ट्रिंग वहां का स्ट्रिंग निकालते रहते हैं। किसी को भी बिठा लिया, कोई मिल गया उसके साथ बैठ के वीडियो बना लिया। जनता पूछ रही है कि 15 साल में तुमने किया क्या दिल्ली में, और हकीकत क्या है कि 15 साल में अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया होता तो ये फर्जी स्ट्रिंग बनवाने की नौबत नहीं आती, यहां वहां के वीडियो इकट्ठा करके बिठा के बनवा के और उसको रिलीज करके एक्सपोजे बोल के इश्यू करने की जरूरत नहीं आती। तो स्पष्ट है ढंग का 15 साल में कोई काम किया नहीं, एमसीडी का चुनाव भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए ये रोज रोज के फर्जिस्टिंग जनता के सामने हार रहे, पर इससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन पुनीत गोयल का नाम सामने आ रहा है, उनका क्या रोल है पार्टी में ये बता। देखिए पार्टी में कोई रोल नहीं है किसी भी आदमी का जो नाम ले रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, आप समझिए इस बात को, इसके पीछे के वजह को समझिए। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की डिमांड सबसे, जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, सबसे ज्यादा डिमांड आम आदमी पार्टी का टिकटों की थी। नतीजा क्या हुआ, चूंकि डिमांड है तो हर इलाके में दुनिया भर के दलाल नीचे के लेवल पे एक्टिव हो गए। पहले भी जो वीडियो आए और अब भी जो वीडियो आ रहे हैं, एक चीज क्लियर नहीं हो रही, उसमें साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि पैसे से टिकट नहीं मिला, दलाल एक्टिव हुए जरूर लेकिन पैसे से टिकट किसी को नहीं मिला। इस वीडियो से भाजपा यही साबित कर रही है और कुछ साबित नहीं कर पा रही है। मिला होता तो आता ना कि इनको पैसा दिया, इसने पैसा दिया इनको टिकट मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 100 बातों की एक बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी ने ढंग का 15 साल में कोई काम नहीं किया, लिहाजा उनको सुबह दोपहर शाम बैठ के या तो स्टिंग इकट्ठा करना पड़ता है या उनको लोग बिठा के वीडियो बनवाने पड़ते हैं। अब तय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। आप जो बोले पुनीत, अब जो बाकी नाम उन्होंने गिराए वो इस मामले में, जैसा आपने बोला कि नीचे के स्तर पे दलाल एक्टिव हो गए, तो ये वो लोग थे, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो नाम एक आपने लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको, अब आप ढूंढिएगा ना कहीं और मिल जाएगा, लेकिन निकलेगा क्या उसे, निकलेगा सच। और सच क्या है कि आम आदमी पार्टी ने जब टिकट दिए किसी को भी, एक रुपए की टिकट, एक रुपया लेके किसी को टिकट नहीं दिया है, यही सच निकलेगा। और मैं बाकी सुनने वालों को बताना चाहता हूं, आगे भी एकदम सचेत रहे, आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है, यहां पे पैसे से टिकट नहीं मिलती है, ग्राउंड वर्क करने से, मेहनत करने से, जनता की सेवा करने से टिकट मिलती है। भाजपा भी अपने इन फर्जी स्टिंग के जरिए एस्टैब्लिश कर पा रही है और कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। थैंक यू।